वेलकम बैक टू कंटिन्यूस क्लासेस। आज हम लोग सीखेंगे एजिटेटर इन गैस लिक्विड। सो गैस और लिक्विड का जब मिक्सिंग करेंगे एजिटेटर में तो क्या किस तरीके से करेंगे ये हम लोग डिस्कस करेंगे। द रूल्स ऑफ द एजिटेटर इन ए गैस लिक्विड सिस्टम। सो क्या होता है कि जो एजिटेटर है इसका रोल क्या होता है, इसका इसका क्या करना पड़ता है, इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ये क्या करता है। ब्रेक द गैस इंटू स्मॉल बबल्स फॉर हाई इंटरफेशियल एरिया। क्या होता है कि इंटरफेशियल एरिया का मतलब मैं पहले भी समझा चुका हूँ मेरे पिछले क्लास में। सो हाई इंटरफेशियल एरिया का मतलब कि जो सरफेस एरिया कॉन्टैक्ट एरिया होगा वो बहुत ज़्यादा कर देगा। किस लिए? क्योंकि ये जो गैस होगा, गैस जो बबल होगा उसको ब्रेक डाउन करके नया गैस बबल बना देगा। सो उसमें सरफेस एरिया ज़्यादा क्रिएट होता है। डिस्पर्स द बबल्स थ्रू आउट द लिक्विड। ये डिस्पर्स क्या होता है कि डिस्पर्स का मतलब क्या होता है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, डिस्पर्स का मतलब होता है कि डिस्ट्रीब्यूटिंग थिंग्स ओवर ए वाइड एरिया। डिस्पर्स द बबल्स थ्रू आउट द लिक्विड। सो लिक्विड के जितना भी लिक्विड रहेगा उस सब में हमारा जो बबल्स होगा गैस का, उस गैस को डिस्पर्स करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। कीप द बबल्स इन द लिक्विड। वो जो बबल है उस लिक्विड के अंदर रखने के लिए, लिक्विड के ही उसमें कॉन्टैक्ट में रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एजिटेटर यूज़ करते हैं। और फॉर सफिशियंट टाइम, सफिशियंट टाइम के लिए। मिक्स द लिक्विड थ्रू आउट द वेसल, मिक्स करने के लिए। ये इसका क्या है, रोल्स है। ठीक है, किसका, एजिटेटर का। प्रोवाइड टर्बुलेंट एडीज फिट इन टू फिट लिक्विड टू फॉर्म टू एंड फ्रॉम द इंटरफेसिस में। ये टर्बुलेंट लिक्विड वगैरह जो भी होता है ये डिस्कस करूँगा मैं बाद में। प्रोवाइड टर्बुलेंट एडीज टू फिट लिक्विड टू एंड फ्रॉम द इंटरफेसिस। मतलब कि ये लिक्विड इंटरफेस तक लिक्विड एंड इंटरफेस से लिक्विड लाने के लिए ये दोनों काम किस में, एजिटेशन में होता है। मेंटेन पार्टिकल्स इन सस्पेंशन। सो सस्पेंशन बनाते हैं तो उसमें हमारा जो पार्टिकल्स वगैरह है उसको सस्पेंड करके रखता है, उसको जो लिक्विड होगा लिक्विड के अंदर ही रखता है। अभी जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डिस्पर्जन क्या है। ठीक है, डिस्पर्जन का मतलब होता है कि जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लाइक ये देखिए, ये जो है पोर डिस्पर्जन, पोर डिस्ट्रीब्यूशन। इस बॉक्स के लिए क्या बोला गया, जैसे पोर डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो हमारा गैस पार्टिकल्स है, सपोज ये गैस पार्टिकल्स है या तो गैस बबल्स है, ये अगर इस तरह का अगर डिस्ट्रीब्यूटेड होते रहेगा तो क्या होगा, इसका पोर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्योंकि यहाँ पे लंप बना हुआ है, यहाँ पे लंप बना हुआ है, बट ये जगह खाली है। ठीक है, बट ये इसमें अगर देखें तो इसमें इस बॉक्स से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, क्योंकि इसमें बहुत कम लंप बना है बट ज़्यादा एरिया ये कवर किया हुआ है। बट इसमें अगर देखें तो इसमें कि फाइन है, इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन एरिया फाइन है, थोड़ा थोड़ा करके हर जगह पे है, बट ये क्या है कि ये ज़्यादा क्या हुआ हमारा मास, ये सभी क्या क्या कर रहे हैं, ज़्यादा एक साथ है बहुत। यहाँ पे जो डेंसिटी है इसका बहुत ज़्यादा है, बट यहाँ पे कम है, बहुत ही कम है। सो अगर यहाँ पे देखें तो क्या होगा, यह फाइन डिस्पर्जन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सो यहाँ पे क्या होगा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पर्जन है ये दोनों अच्छा है यहाँ पे, क्योंकि इसका जो पूरा एरिया है लगभग हर एरिया में इसका जो कंपोजिशन है, इसका जो कंसेंट्रेशन है ये लगभग सेम है। सो इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पर समझ सकते हैं। और एक साथ में और एक चीज़ समझा जाता है कि जो हमारा टर्बुलेंट था, टर्बुलेंट किस तरह का होता है कि देखिए, ये अगर हमारा हॉट एयर विथ हाई स्पीड एंड कोल्ड एयर विथ लो स्पीड, अगर हम एयर के लिए बात करते हैं, एयर भी एक फ्लूड होता है, गैसियस फ्लूड होता है। सो एयर में अगर जिस तरह का, जैसे कि यहाँ पे ये हमारा अगर ऐसे दिखाने के लिए कि दो कॉम्पोनेंट है एयर में, दोनों इस तरह से जा रहा है, जब ये रेंडमली ये मूव करता है, इसका जो मूवमेंट वो रेंडम होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको टर्बुलेंट फ्लो। देखिए इसमें देखिए, ये जो होता है ये फ्लो, इसको टर्बुलेंट फ्लो बोलता है। यहाँ तक हमारा लेमिनर फ्लो रहता है और यहाँ से ट्रांजिशन, मतलब कि लेमिनर से ये टर्बुलेंट हो रहा है और यहाँ तक आता है तो ये टर्बुलेंट। टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है कि जो भी हमारा फ्लूड पार्टिकल होगा वो अपने हिसाब से किसी भी डायरेक्शन में वो रोटेट कर सकता है, किसी भी डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्बुलेंट फ्लो बोलेंगे। बट यहाँ पर क्या है, ये स्ट्रेट लाइन पर जा रहा है जो भी हमारा फ्लूड पार्टिकल्स है, तो इसको हम लोग इसीलिए क्या बोलेंगे, लेमिनर बोलेंगे। और यहाँ पर यह ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम लेमिनर टू टर्बुलेंट, इसलिए हम लोग इसको टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। ये जो प्रॉपर है ये पूरा, ये इसको टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। उस हिसाब से यहाँ पे क्या हो रहा है, ये टर्बुलेंट, यहाँ पे सारा कुछ टर्बुलेंट फ्लो में जा रहा है। बट जब भी इस टाइप का टर्बुलेंट और इस तरह का जो सर्कुलर मोशन में आता है, ये टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है, बट अगेन ये जो लंप है, ये जो फ्लूड पार्टिकल का जो लंप है, ये पूरा एक सर्कुलर मोशन में जा रहा है, यहाँ पे आके एक सर्कुलर मोशन दे रहा है। तो इस टाइप का जो हमारा फ्लो होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ईडी फ्लो बोलेंगे, ईडी फ्लो बोलेंगे। सो ये जो हमारा है सिमिलर, ये भी हमारा क्या है, ईडी फ्लो का पैटर्न है, क्योंकि ये भी घूम रहा है एक जगह पे, ये फ्लो आ रहा है उसके बाद घूम रहा है। सो इस टाइप का जो भी है हमारा सारा ईडी फ्लो में आएगा। और ये टर्बुलेंट फ्लो तो ये पे समझ में आ गया, टर्बुलेंट फ्लो। और जहाँ पे भी ये सर्कुलर टाइप का मोशन आएगा फ्लूड का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ईडी फ्लो। ठीक है, ईडी एंड टर्बुलेंट फ्लो। देन
यही मैं यहाँ पे सारा कुछ यही बताया गया। देन आपका आता है कि पर्पस ऑफ एजिटेशन, एजिटेशन का पर्पस क्या है। ब्लेंडिंग ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स, मिसिबल लिक्विड का मतलब होता है कि जो टू टाइप्स ऑफ लिक्विड जो कि हमारा क्या होता है कि एक दूसरे से मिल जाता है, एक दूसरे से घुल जाता है, ठीक है। सच एज इथेनॉल एंड वाटर, दे मिक्स इच अदर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब होता है मिक्सिंग होता है, बट टू डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूड, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या हो गया, इसका पर्पस हो गया कि ब्लेंडिंग ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स देन डिजोल्विंग सॉलिड्स इन लिक्विड। हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ले रहे हैं कि जैसे सॉल्ट सॉल्ट इन वाटर में अगर मिक्सअप करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिजोल्विंग सॉलिड्स इन लिक्विड। सो ये भी एक एजिटेशन का पर्पज होता है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि सॉल्ट वाटर में, मतलब सॉल्ट जो वाटर में देते हैं वो एक हमारा एक एग्जाम्पल ही है बस। देन आपका आता है कि डिस्पर्जिंग ए गैस इन ए लिक्विड एज फाइन बबल्स। क्या होता है कि डिस्पर्जिंग, डिस्पर्जिंग का मतलब अभी बता दिया कि डिस्ट्रीब्यूटिंग करना ये गैस इन ए लिक्विड एज फाइन बबल्स, फाइन बबल्स की तरफ, मतलब छोटा छोटा जो हमारा बुलबुला जो बबल्स है जो उसको हमारा क्या जो लिक्विड होगा लिक्विड के अंदर डिस्पर्स करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एजिटेशन का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल दिया गया, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर नोट्स किसी को बनाना होगा तो वीडियो पॉज करके नोट बना लीजिएगा। देन आता है क्या आपका, सस्पेंडिंग ऑफ फाइन सॉलिड पार्टिकल्स इन ए लिक्विड। क्या होता है कि सस्पेंडिंग फाइन सॉलिड पार्टिकल्स, सस्पेंडिंग का मतलब कि उसको जो सॉलिड पार्टिकल्स होगा उसको फ्लूड के अंदर ही रखेगा, मतलब लिक्विड के अंदर ही उसको वहाँ पे मूवमेंट करा के रखेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सस्पेंडिंग ऑफ सॉलिड पार्टिकल, फाइन सॉलिड पार्टिकल्स इन ए लिक्विड, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल वगैरह दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। एजिटेशन ऑफ फ्लूड टू इंक्रीज द हीट ट्रांसफर, अगर हम लोग एजिटेशन करते हैं फ्लूड का तो उसका जो हीट ट्रांसफर होता है वो भी बहुत अच्छी तरह से होता है। सो मतलब कि प्रॉपर एंड एफिशिएंट हीट ट्रांसफर के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, एजिटेशन कराया जाता है। अभी देखते हैं कि एजिटेशन का जो था, एक बार मीनिंग देख लेते हैं कि एजिटेशन क्या था। रेफर्स टू फोर्सिंग ए फ्लूइड बाय मैकेनिकल मीन्स टू फ्लो इन ए सर्कुलेटरी और अदर पैटर्न इनसाइड ए वेसल, वेसल के अंदर इसको एक सर्कुलर मोशन देना, उसी को हम लोग एजिटेशन बोलते हैं, ठीक है। उसको हम लोग मिक्सिंग नहीं बोलते, उसको एजिटेशन बोलते हैं। सिर्फ सर्कुलर मोशन में लाना उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एजिटेशन बोलेंगे। देन आपका आता है मिक्सिंग, मिक्सिंग यूजुअली इंप्लाइज द ब्लेंडिंग ऑफ टू और मोर सेपरेट फेजेस। मैं दोबारा इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि मैं पहले क्लास भी में किया था, बट थोड़ा सा ताकि रिवाइज हो जाए इसलिए मैंने कर रहा हूँ। मिक्सिंग यूजुअली इंप्लाइज द ब्लेंडिंग ऑफ टू और मोर सेपरेट फेजेस सच एज लिक्विड एंड ए पाउडर सोलिड और टू फ्लूड्स एंड कॉजिंग देम टू बी रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू वन अनदर, मतलब कि रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं। एक एक दूसरे के अंदर ये अच्छी तरह से घुल मिल जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, ठीक है, रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अभी जो गैस फेज होता है वो किस तरह का काम करता है, देखिए ये हमारा एक जो एजिटेटर टैंक है, इसमें हमारा ये जो भी है ये हमारा इंपेलर्स वगैरह लगा रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये जो आपका दिखाई दे रहा है होल्स वगैरह, सो ये क्या है, एयर पेसेस के लिए है, ठीक है। ये इस तरह से एयर इनलेट होता है उसके बाद यहाँ से आपका जो कूलिंग फ्लूड, इस कूलिंग जैकेट के लिए, या तो फ्लूड कोल्ड फ्लूड इन एंड कोल्ड फ्लूड हॉट फ्लूड आउट। सो ये हो गया आपका जो कूलिंग के लिए, और यहाँ पे हमारा इनलेट देते हैं, फिट देते हैं, इस तरफ से फिट देके हमारा ये आउटलेट है, ठीक है, ये आउटलेट है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, जो हमारा गैस है, गैस फेज हम लोग दो तरीके से दे सकते हैं। एक तो हम लोग इस तरह से ला के यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे स्पर्सिंग कर सकते हैं, या तो हम लोग इस तरह से नीचे से ला के यहाँ पे भी ये एक प्लेट लगा हुआ है जिसमें से कि जो गैस का जो होगा ये बबल बन के ऊपर आएगा, ठीक है, ये बबल बन के ऊपर आएगा और यहाँ पे ये जो मिक्सिंग रहेगा इसके साथ ये हमारा ब्लेड से ये घूमते रहेगा, ये घूमेगा क्योंकि ये मोटर के साथ लगा हुआ है। सो ये घूम के इसको मिक्सिंग में प्रॉपरली जो गैस एंड लिक्विड का जो कॉन्टैक्ट हो ये सक्सेस करेगा। तो इस टाइप का होता है आपका जो गैस गैस एंड लिक्विड एसिडेशन जो प्रोसेस होता है इस टाइप का होता है। नेक्स्ट आपका आता है सिग्मा ब्लेड या तो डबल आर्म मिक्सर। सो ये हमारा नेक्स्ट इक्विपमेंट है मिक्सिंग के लिए। द सिग्मा मिक्सर इज यूज फॉर मिक्सिंग एंड नीडिंग, ठीक है, मिक्सिंग एंड नीडिंग। जी आटा गूंदना जो होता है इसको हम लोग नीडिंग बोलते हैं, ठीक है, तो उस टाइप का जो काम होता है उसको हम लोग नीडिंग बोलते हैं। तो मिक्सिंग एंड नीडिंग फॉर मिक्सिंग नीडिंग ऑफ हाईली विस्कस मास स्टिकी डाउ डाउ लाइक, ठीक है। तो इस टाइप का जो भी होता है वो हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा ब्लेड मिक्सर या तो हम लोग डबल अम मिक्सर से करते हैं, तो ठीक है। यहाँ पे इसको देखने में इस तरह का होता है, तो आप लोग मैं इसको नोट दे दिया, आप लोगों को अगर चाहिए तो इसको नोट लिख सकते हो, या तो आप लोगों के पास अगर हो तो बस आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए ये किस तरह से काम करता है। देखिए ये इस तरह का होता है, ये हमारा क्या है, ये डबल आर्म, ये एक आर्म, ये हमारा डबल आर्म रोलर या तो नीडर बोलते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे मोटर, ये गियरिंग गियर सिस्टम है मोटर के साथ, और ये वैसे ही इस तरह इस साइड में, मतलब ये जो ढक्कन होता है ये क्लोज होता है, ठीक है। इसके अंदर हमारा फीड देके इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें मिक्सिंग कराते हैं। इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं किस तरह का काम करता है। डिफरेंट पाउडर्स आर इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्रो, सॉरी ट्रॉफ, ठीक है। देखिए ट्रॉफ का मतलब क्या होता है कि ये जो हमारा यहाँ पे ट्रॉफ दिया गया, ट्रॉफ का मतलब कुछ इस तरह का होता है, जैसे कि आपका देखिए ये जो दिया गया, इसको गाय को पानी पीने के लिए जो लंबा एक होलो दिया गया जिसमें कि हम लोग पानी वगैरह डाल सकते हैं, तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं इसको, ट्रॉ बोलते हैं, सॉरी ट्रॉफ बोलते हैं, ठीक है। TROUGH ट्रॉफ बोलते हैं। सो ये हो गया, एक आपको सिर्फ याद रखने के लिए मैंने कंसेप्ट दे दिया, बट इसको ट्रॉफ बोलते हैं। सो जैसे कि हम लोग अभी यहाँ पे जो यूज़ कर रहे हैं इसको इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रॉफ। ये जो होगा ये पूरा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रॉफ। सो इसको क्या होता है कि डिफरेंट पाउडर्स आर इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम द टॉप, ऊपर से हम लोग ये पाउडर वगैरह जो भी हम लोगों का मिक्सिंग इंग्रेडिएंट होगा वो हम लोग देंगे। द बॉडी इज कवर्ड बिकॉज द, मतलब बॉडी को कवर किया रखा जाता है क्योंकि इसको जो पाउडर वगैरह होता है अगर ये घूमेगा तो पाउडर बाहर गिर जाएगा। सो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, कवरिंग में रखते हैं। देन नीडिंग ब्लेड्स फर्स्ट स्क्वैश, इसको क्या, स्क्वैश का मतलब क्या होता है कि इसको दबा के रखता है, जैसे कि हम लोग आटा गूंदने के टाइम अगर हाथ में लेके रोटी बनाने के टाइम जो आटा को अगर हम लोग प्रेस कर देते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वैशिंग बोलते हैं। तो ये क्या करता है, ये प्रेस करता है और इसको फ्लैट फ्लैट बना देता है, देन रोल इट आउट, सॉरी इसको रोल इट करता है, रोल करता है, देन अगेन इसको क्या होता है, स्क्वैश करता है। तो इस तरह से इसका काम चलता है। और ये जो है एक दूसरे के ब्लेड से, ये क्या होता है कि देखिए ये एक बार इस तरफ से घूम रहा है तो ये इस तरफ से जो जो भी मिक्सर रहेगा ये कट के लेके जाएगा, नेक्स्ट इस तरफ कट के लेके जाएगा, मतलब दोनों एक बार ये वाला इसका फोर्स आएगा, एक बार इसका फोर्स आएगा। सो रेसिप्रोकली एंड साइमल्टेनियसली दोनों साइड इसका जो फोर्स होगा, जो मिक्सिंग हमारा कंपोजिशन होगा या तो जो भी हम लोग फीड देंगे उसके ऊपर। तो आप लोग देख लीजिएगा इसका, द थ्रू द फिक्स्ड स्पीड ड्राइव, ठीक है, इसको एक फिक्स स्पीड में इसको ड्राइव किया जाता है। ब्लेड्स आर अलाउड टू रोटेट, रोटेट किया जाता है। द ब्लेड्स मूव एट डिफरेंट स्पीड्स, ठीक है, दोनों ब्लेड को हम लोग अलग अलग तरीके से हम लोग मूव करा सकते हैं। द इफेक्टिवनेस ऑफ द मिक्सिंग डिपेंड्स अपॉन द नीडर ब्लेड डिज़ाइन, जो हमारा नीडर होगा उसका जो ब्लेड होगा, ब्लेड डिज़ाइन के ऊपर इसका जो इफेक्टिवनेस होगा वो डिपेंड करता है। समटाइम्स मेड मेड वेरी रग्ड, रग्ड का मतलब होता है कि अनइवन, ठीक है, रग्ड का मतलब अनइवन, रफ रफ सरफेस, ये हो गया। एंड डिफरेंट शेप्स, और डिफरेंट शेप में ये सब में डिपेंड करता है कि इसका जो मिक्सिंग इफिशियंसी होगा वो कैसा होगा। द एज ऑफ द ब्लेड्स मे बी मोर सेरेटेड, ठीक है, जो होगा जो आपका क्या होता है, द एज ऑफ द ब्लेड्स मे बी मोर सीरेटेड टू गिव हायर शेडिंग एक्शन। सो शेडिंग का मतलब ये कटना होता है, तो ये इस टाइप का जो भी काम होगा ये आपका क्या करेगा, इसमें हमारा इसमें देगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा जो डबल आर्म रोलर, इसके बारे में हो गया। आप लोग थोड़ा सा इसका नोट्स देख लीजिएगा, सिंपल है, मैं बस इसका जो वर्किंग है थोड़ा सा बता दिया, समझ में आ जाएगा आप लोगों को इजीली। इसके एप्लीकेशन देखिए, एडिसिव वगैरह, बिस्कुट, डो मेकिंग, ब्यूटल रबर में, बेकरी में, कार्बन कार्बन पेस्ट, सिरेमिक्स, इन सब में आपका इसका यूज़ होता है। एडवांटेज वगैरह देखिए, इसका डेड स्पेस, सिग्मा ब्लेड मिक्सर क्रिएट्स ए मिनिमम डेड स्पेस ड्यूरिंग मिक्सिंग। डेड स्पेस का मतलब होता है कि देखिए मिक्सिंग के दौरान पे इस यहाँ पे अगर कहीं किसी जगह पे अगर रह जाता है, देखिए यहाँ पे मिक्स हो ही नहीं रहा, बस हर जगह पे हो रहा, एक साइड में नहीं हो रहा है, या वैसे यहाँ पे होता नहीं है, बट अगर यहाँ पे रह जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेड स्पेस बोलेंगे। जहाँ पे मिक्सिंग नहीं हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेड स्पेस बोलेंगे। सो इस तरह का काम होता है। देन आइडियल फॉर मिक्सिंग नीडिंग ऑफ हाईली विस्कस मास, ठीक है, ये क्या होता है, विस्कस मास के लिए ये आइडियल है, मतलब कि इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं अच्छी तरह से। डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये फिक्स्ड स्पीड में घूमता है, इसीलिए आपका डिसएडवांटेजेस है, पावर कंजम्पशन बहुत ही हाई है दूसरे मतलब नीडर से, ये बहुत ही पावर कंजम ज़्यादा करता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब कि पावर कंजम्पशन में ये बैड है, ठीक है, ज़्यादा करता है तो हमारा इकोनॉमिकल नहीं है। देन आता है आपका बैनबुरी मिक्सर, वर्किंग प्रिंसिपल देखिए, वेन द बेनबरी मिक्सर वर्क टू द टू रोटर रोटर रिलेटिवली टू इच अदर एंड द मटेरियल फ्रॉम द फीडिंग पोर्ट इज क्लैम्प्ड इन टू द रोल गैप बाय द रोटर्स कंप्रेशन एंड शेयर। देखिए कंप्रेशन एंड शेयर का मतलब क्या होता है, किस तरफ का था, देखिए आपको दिखाता हूँ मैं, कंप्रेशन एंड शेयर देखिए इस तरह का होता है, ये हो गया कंप्रेशन,
इस तरह का जो फोर्स होता है दोनों तरफ से आता है तो उसको कंप्रेशन बोलते हैं, और दोनों तरफ से अगर उल्टे तरफ जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंशनल फोर्स। एंड देन शेयरिंग फोर्स का क्या होता है कि देखिए, एक ये दोनों एक साथ था सपोज, देन आप इस ब्लॉक को आप हटा रहे हो, तो इस ब्लॉक को हटा रहे हो इस तरफ और इसको उस तरफ हटा रहे हो अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस इन दोनों के सर्फेस में जो फोर्स का क्रिएट होगा या तो जो फोर्स फील होगा इन दोनों बॉडी को, ठीक है, क्योंकि ये इसको रेजिस्ट करेगा और ये वाला बॉडी इसको रेजिस्ट करेगा, तो दोनों में जो फोर्स क्रिएट होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, शेयर स्ट्रेस या तो शेयर फोर्स बोलते हैं। अब इसमें थोड़ा सा और समझ लीजिए, देखिए टेंशनल फोर्स क्या होता है कि इस तरफ से अगर किसी डंडे को या किसी चीज़ को आप खींच रहे हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेंशनल फोर्स बोलेंगे। कंप्रेशन क्या होता है इस तरह का, और टॉर्शनल इस तरह का। बट शेयरिंग क्या होता है, देखिए ये अब दोनों तरफ इसको खींच रहे हो, यहाँ पे बॉन्डिंग है, तो इस यहाँ पे जो फोर्स क्रिएट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शेयर फोर्स बोलेंगे, उस तरह का होगा शेयर फोर्स। तो अब देखते हैं हम लोग जो हमारा ये लास्ट लास्ट इक्विपमेंट जो आपका है, ठीक है, बेनबुरी मिक्सचर में, इसमें कंप्रेशन एंड शेयरिंग दोनों होता है, तो इसीलिए जो शेयर है मैंने इसलिए इसको समझा दिया कि शेयर का जो कंसेप्ट होता है वो किस तरह का होता है, एंड कंप्रेशन दिया यहाँ पे दोनों होता है, कंप्रेशन का भी मैंने दिखा दिया किस तरह का ये कंप्रेशन फोर्स होता है। सो ये दोनों फोर्स बेनबुरी मिक्सचर में काम करता है इस चीज़ को पूरा मिक्सअप करने के लिए। आफ्टर पासिंग द पासिंग थ्रू द रोल गैप द मटेरियल इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। देखिए एक बार हम लोग जो डायग्राम इसको डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पे भी है, तो अब देखिए क्या होता है कि यहाँ से हम लोग फिट देते हैं, ये वाला जो है ये ऑपरेटर क्या कर रहा है, फिट दे रहा है रबर को दे रहा है, बट ये आके क्या करेगा, यहाँ पे आएगा, ये हमारा चैम्बर है, ठीक है, फिट चैम्बर, तो ये फिट चैम्बर आके क्या करेगा, ये हमारा क्या है, रोटर मिक्स बैच, ठीक है, यहाँ पे क्या रोटर रोटर से, ये दोनों रोटर से, ये एक रोटर से, बट यहाँ पे देखिए क्या है, कूलिंग के लिए आपका ये पूरे कूलिंग वाटर दिया गया है स्प्रे, क्योंकि ये हमारा बाहर के साइड, ये सब जो दिया गया है ये सब हीट ट्रांस